हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7 मैथ आर्यस अग्रवाल। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। पाइथागोरस ने जो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक जो है तीनों साइड्स का जो है लेकर एक उन्होंने जो है थ्योरम दिया, जिसको जो है पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जिसमें जो है एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें एक जो है एंगल क्या है 90 डिग्री को, उसके ठीक सामने वाला जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग टू साइड्स यानी बेस और जो है अल्टीट्यूड का जो है स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू यानी सी, मान लिया इसकी लंबाई ए बी की लंबाई सी है, बी सी की लंबाई बी है ए है, और ए बी ए सी की लंबाई बी है, तो इसका मतलब है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर जो है क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो आगे के एक्सरसाइज हम जो इसी पर लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लगाएंगे, इसे 15 डी है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्राइंगल द आउटर टू साइड्स ऑफ विच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो अभी जो है एक हाइपोटेनस जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम देते हैं इस तरह का, ठीक है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम ए बी सी है, और हाइपोटेनस पूछ रहा है और दो साइड दिया है, तो मान लीजिए एक को 9 सेंटीमीटर रखते हैं और एक जो है 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो लगाएंगे, जैसे कि स्क्वायर का जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी का है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी बेस पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ए सी का स्क्वायर तो दिया नहीं है, ए सी का निकालना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी का जो है ए बी का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 9 जाए 81 प्लस 12 जाए 144, इनको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 5 12 2, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो ए सी इक्वल टू होगा अंडर रूट 225, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे 225 का, तो यह आएगा 15 × 15 यानी 15 सेंटीमीटर, यानी एसी का जो है लंबाई जो है क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन। सेम हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग है, हाइपोटेनस दे दिया है, क्वेश्चन नंबर टू है, हाइपोटेनस दे दिया है, यानी सपोज कर लीजिए वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ये है, ठीक है, ए बी सी, ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने के जो है साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, तो हाइपोटेनस दे दिया है 26 सेंटीमीटर, और इफ वन ऑफ द मेजरिंग टू साइड इज 10 सेंटीमीटर, यानी कोई एक मान लिया 10 सेंटीमीटर है, तो अदर्स इसकी हमको निकालना है कि किसकी लेंथ क्या होगी, तो हम जो है इसको जो है सेम जो है वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है,
तो इसको जो है हम सेम वही फार्मूला यूज करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई पाइथा बाई पाइथागोरस थ्योरम एसी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर दे दिया है 26 सेंटीमीटर, तो 26 का स्क्वायर इक्वल टू एबी का हमारा 10 दिया है और बीसी का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है, बीसी का निकालना है। तो 26 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो आप देख लीजिए 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी 26 इंटू 26 करेंगे तो 6 × 36, 6 × 12, 15, 2 × 12, 2 × 4, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 6, यानी 26 का जो है 676 हो जाएगा, 676 इक्वल टू 10 × 100 प्लस बी सी का स्क्वायर। 100 को इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 676 − 100 हो जाएगा इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यानी 576 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू ये इसका स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 576, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम जो इसका जो स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा, हमको याद है तो 24 इसका होगा, यानी 24 × 24 बी सी, यानी यह एक इसका ले लेंगे 24, यानी बी सी इक्वल टू 24। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका जो है, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या हम डिवीजन मेथड से निकालें। तो जैसे 576 है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका को 5 निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो हम पेयर बनाते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, दो दो का पेयर बनाते हैं, ये टू एक पेयर है और ये सिंगल बच गया, ऐसे ही रहेगा। तो हम हमेशा जो डिवाइड करते हैं वो स्क्वायर संख्या से डिवाइड हम करते हैं, जैसे 1 × 1 = 2, 2 × 3, 3 × 3 ऐसे लिखेंगे। तो 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, यानी 9 5 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 बार में ना जाकर 2 बार में ही जाएगा, 2 × 2 = 4। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और ये 7 और 6 एक साथ जो पेयर है एक साथ यहाँ पर आ जाएगा, और इस 2 को फिर इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 से, और ये हो जाएगा 4। अब देखते हैं 4 × 4 = 16, अब 4 बार में चला जाएगा 4 का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 और 1 = 17, यानी 24 हमारा ये आ गया। यह जो डिवीजन मेथड हमने निकाला है, ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अदर क्वेश्चन भी, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इतना है सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द एंड द लेंथ ऑफ द इट्स हाइपोटेनस दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। तो सही तरीका वही सेम है, ठीक है, थर्ड साइड क्या होगा, तो थर्ड साइड जैसे उन्होंने हिट दिया है कि थर्ड साइड मान लिया यक्स है, तो वही हम जो है पाइथागोरस के थ्योरम से हम निकालेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, उसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे। अगर इस थर्ड वाले क्वेश्चन को लगा देते हैं तो जैसे यह इन्होंने हिंट दे दिया है, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ऐसे ही रहेगा, यह ए है या बी है या सी है, इसके सामने का यह जो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस दिया है 7.5 दे दिया है, और उसका जो है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ राइट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल इज इतना, द लेंथ ऑफ वन साइड, तो यानी वन साइड मान लीजिए जो है 4.5 इसका है, ठीक है, 4.5 इसको मान लिए सेंटीमीटर, तो इसका हमको निकालना है। तो सुनो, जैसे इसने हिंट दिया है कि मान लिया यह एक्स है, तो लेट थर्ड साइड बी एक्स सेंटीमीटर,
थर्ड साइड भी एक सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर तो हमारा वही होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दिया है 7.5 का स्क्वायर और ए बी दिया है 4.5 का स्क्वायर प्लस बीसी बराबर हमने मान लिया यक्स है तो यक्स स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर अगर निकाले हैं तो 7.5 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है देखिए ऐसे रफ 7.5 का स्क्वायर निकालना है तो 7.5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो शॉर्टकट बता रहे हैं तरीका क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करने का 5 5 जा 25 5 5 जा 25 7 8 जा 56। तो ये हमने कैसे निकाल दिया देखिए डेसिमल के बाद वन डिजिट यहाँ पर भी है डेसिमल होते यानी टू डिजिट के बाद हम इसमें पॉइंट लगा दिए यह हमारा आ गया इसका स्क्वायर 56.25। इस तरह इसका जो हमने अपने एक जो है चैनल में स्क्वायर रूट निकालने का जो है शॉर्टकट तरीका हमने बताया है उसमें जाके आप एक बार जो है प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च करके जान जाए कैसे किया जाता है। अगर किसी भी कोई भी डिजिट है उसका स्टार्टिंग में 5 है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं जैसे इसका 5 है तो जब 4 डेसिमल को छोड़ दो तो 45 है इसका स्क्वायर निकालना है तो 5 5 जा 25 होता है 25 पूरा लिख देंगे और 4 को ठीक इसके आगे वाली संख्या यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 जा 20। अब 0.2 है दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 0.5 यानी पॉइंट के बाद दो डिजिट आएगा यानी दो डिजिट के बाद यहाँ पर लगा देंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं 56.25 इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 20 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 2 में से 2 गया 0 0.6 में से 0 गया 6 आएगा और 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 और 36 किसका स्क्वायर है 6 6 जा 36 होता है यानी एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस के हिसाब से जो है हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। इसका स्क्वायर जो होता है शेष दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसी फार्मूला पर हमको हर एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना है। ठीक है तो यह क्वेश्चन हमारा हो गया। तीसरा तो हम चौथा बताते हैं द टू लेंथ ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 50 फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग। ठीक है द टू लेग्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इक्वल ठीक है और स्क्वायर जो है इसको हाइपोटेनस का दे दिया है 50। क्वेश्चन नंबर 4 में लगा देते हैं तब कह रहा है कि टू लेग्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल जैसे मान लीजिए कोई राइट ट्राइंगल है तो टू लेग्स यानी ये और ये बराबर है और इसका जो है स्क्वायर दे दिया 50 सेंटीमीटर। इस साइड का जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर दे दिया है या ए है या बी है या सी है इसका ये दोनों इक्वल है और इसका इस हाइपोटेनस का स्क्वायर दे दिया 50 सेंटीमीटर तो पूछ रहा है कि इस इन दोनों का लेंथ क्या होगा। यही क्वेश्चन है लेग्स तो इक्वल है तो हाइपोटेनस 50 है तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। तो इसके लिए हम अगर मान लो हम इसका हम एक्स मान लेते हैं तो यह भी एक्स ही होगा। लेट लिखेंगे लेट ईच इक्वल लेग्स इसको साइड को लेग कह रहा है लेग इज एक्स सेंटीमीटर। ठीक है तो पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस पाइथागोरस क्या है एसी का स्क्वायर यानी बीसी यानी हाइपोटेनस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड क्या है हाइपोटेनस कहलाता है। तो बीसी यानी बीसी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर
ठीक है। तो BC का स्क्वायर तो दे दिया है 50, और इसको हमने मान लिया x का स्क्वायर प्लस इसको भी मान लिया x का स्क्वायर। अब यह आते हैं 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 50 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ डिवीजन, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 2 2 4 2 5 10 यानी 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और हमको मालूम है कि 5 5 5 25 होता है, यानी 5 × 5 स्क्वायर होता है। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर यह भी होगा तो 5 सेंटीमीटर हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेम आपको ये क्वेश्चन सब सॉल्व करना है। 4 बता ही दिए, 5 भी इसी तरह का है, कुछ हिंट भी दे दिया है। और इन द राइट ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ इट्स लेग आर गिवेन, ए दे दिया इतना, बी दे दिया इतना, और फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस सी, ठीक है, यानी सी की वैल्यू पूछ रहा है हाइपोटेनस। तो इसका जो है केवल हम बता दे रहे हैं, लगाएंगे नहीं, इसको जो है आपको खुद ही लगाना है, ठीक है। अब यह करा द साइड ऑफ 5 क्वेश्चन करा द साइड ऑफ ट्राइंगल मेजर 15 सेंटीमीटर 36 और 39 सेंटीमीटर, सो दैट इट इज अ राइट ट्रायंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए क्या चाहिए कि हाइपोटेनस का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो यानी इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। अगर ये हो जा रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इसको इसी तरह लगाना है, और ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल सेम वही चीज़ें हैं, ए वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दिया है, और सी का वैल्यू निकालना है। जैसे हमने बताया था ना सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए दे दिया बी दे दिया है, हाइपोटेनस नहीं दिया है, इसी को वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवेन बिलो, विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। अब ए बी सी दिया है, और ये हमको देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो है, जो हाइपोटेनस होता है से दो साइड से बड़ा होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सी है। तो हम 7 का लगाते हैं क्वेश्चन, सी से आपको खुद करना है। 7 का फर्स्ट, ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब ए बी और सी दे दिया है, और हमको ये मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, ए बी और सी की वैल्यू दिया है, यानी ए ए बी यानी यह मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, यह 20 सेंटीमीटर दे दिया, और हाइपोटेनस जो है सी 25 सेंटीमीटर। अब हमको यह देखना है, बताना है कि यह राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो इसके लिए पाइथागोरस के हिसाब से हम चलेंगे, तो सी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ए क्या दिया है 15 का स्क्वायर प्लस बी यानी 20 का स्क्वायर, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर होता है 25 × 25, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625। 15 का स्क्वायर होता है 15 होता है 225, और 20 का 2 2 4 और 2 0, अब इनको अब ऐड करते हैं 625, यह हो जाता है 4 2 6 625। तो यानी हम देख रहे हैं कि जो है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है यह शेष दो के स्क्वायर के सम के बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन ये पूछ रहा ना कि साइड दिया है तो विच ऑफ देम राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल है, लिखेंगे दिस इज राइट ट्राइंगल लिख सकते हैं, एंगल नहीं, राइट ट्राइंगल। जब हमारा सी के स्क्वायर और शेष जो है दो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया, तो समझ जाइए कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसी बेस पर यह 7 का भी करना है, और ए बी सी दिया है, यह भी सेम उसी पैटर्न पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आप लोग को जो है
सॉल्व करना है योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में बनाएंगे, तो अभी आप लोग जो है इसके बेस पर यहाँ तक सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उस कमेंट में लिखिए, उसको हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम देन यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।